हाय फ्रेंड, दास प्लम्बिंग ऑर्क में स्वागतम। आज मैं सिखाने वाला हूँ कैसे कोमोड सीट सेटिंग किया जाता है। देखिए, हम लोग अभी कोमोड को अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। अभी ये वाला जो हम लोग को कोमोड लगा रहे हैं, एक कोमोड है जैगवार कंपनी का पी टाइप। इसका अभी मेजरमेंट होगा। कोमोड का मेट्रोपोल जो फ्लास वाल्व है उसका भी लाइन कोमोड से जुड़ जाएगा। देखिए कैसे हम लोग अभी मेजरमेंट करते हैं। अभी जो मेजरमेंट हो रहा है वो सीधा रखने के लिए, ठीक है, कोमोड को, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा तो देखने अच्छा नहीं लगेगा। अभी जो फ्लास का लाइन है उसमें पाइप हम लोग जोड़ रहे हैं सॉल्वन सीमेंट देके, ठीक है। अभी इसको सीधा रख के मार्किंग कर लेंगे हम लोग। देखिए अभी मार्किंग हो गया है, उस पाइप को काटिंग कर रहे हैं। अभी पाइप काटिंग हो जाने के बाद अभी हम लोग कोमोड को सीधा रख के कोमोड का जो टाइस में स्क्रू लगेगा उसका मेजरमेंट कर लेंगे हम लोग। मेजरमेंट हो गया है, अभी उसमें ड्रिलिंग हो रहा है स्क्रू जहाँ पे लगेगा उसी का, ठीक है। दोनों साइड अभी ड्रिलिंग हो गया है। अभी जो पैना मिलता है उसको हम लोग डीलिंग के जगह पे दे के उसको अभी स्क्रू हम लोग टाइट करेंगे, ठीक है। देखिए दोनों साइड में अभी स्क्रू टाइट होगा, ठीक है। ये वाला जो स्क्रू लग रहा है ये स्टील वाला स्क्रू है 4 इंची का, इसी से कोमोड को टाइट रखेगा, कोमोड हिलेगा नहीं, ठीक है। अभी एक साइड हम लोगों का टाइट हो गया है। अभी दूसरे साइड में अभी टाइट होगा स्क्रू। ये देखिए दूसरा साइड भी अभी स्क्रू टाइट हो रहा है, ठीक है। अभी ये वाला टाइट हो जाने का बाद इसका स्क्रू का जो कवर है उसको हम लोग कवर को दे देंगे, ठीक है। और स्क्रू भी दिखाई नहीं देगा। और देखिए सादा वाला जो एक साइड में मिलता है ढकना जिसको बोलते हैं उसको कवर बोलते हैं। अभी देखिए हम लोगों का जो कोमोड का सीट है, सीट कवर जिसको बोलते हैं कोमोड का कवर, वो कवर भी हम लोग अभी सेटिंग कर रहे हैं। ये जैगवार कंपनी का है, देखिए कैसे सेटिंग करना है आप लोगों को, ठीक है। अच्छे तरीके से देख लेना, नहीं तो गलती हो जाएगी तो सीट कवर आप लोग अच्छे तरीके से नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए अभी वो वाला जो लॉक है उस लॉक को देकर भीतर साइड में एक साइड में लॉक है उसको देना होगा। फिर एक वाशर है, उस वाशर सीट का ऊपर में लग जाएगा। फिर लगने के बाद नीचे वाला से जो नाट है स्क्रू का वो नाट से टाइट कर देना है, ठीक है दोस्तों। अभी देखिए हम लोग अभी नीचे से वो नाट जो दोनों साइड में है सीट का वो नट अभी टाइट कर दे रहे हैं, ठीक है। अभी बढ़िया तरीके से टाइट करना, देखिए टाइट हो गया है। अभी जो फ्लास वाला जो लाइन है उसमें हम लोग एम सील जो मिलता है एम सील को लगाएंगे। अभी ये वाला जो गैप ज़्यादा है ना फ्लास फेस फ्लास वाला एक कोमोड वाला फ्लास का, उसी में उसी लिए हम लोग उसमें जो प्लास्टिक है वो देकर उसको होल को छोटा कर दिया है। अभी उसमें हम लोग जो एम सील मिलता है उस एम सील से सील कर दे रहे हैं, ठीक है। कहीं ये फ्लास होगा तो इधर से पानी नहीं गिरेगा, लीकेज नहीं यहाँ से होगा, ठीक है। ये वाला भी हो जाने के बाद 4 इंची का जो है उसमें भी एम सील हम लोग लगा देंगे। यहाँ पे वाइट एम सील लगाना ज़रूरी है तो दिखने में अच्छा लगेगा। हम लोगों का वाइट एम सील ही बोला था दुकानदार को, वो गलती से ब्लैक जो एम सील है ब्लैक एम सील दे दिया है, इसलिए रिटर्न नहीं किया है हूँ, इसीलिए ये वाला ब्लैक ही लगा दे रहा हूँ, ठीक है। देखिएगा अभी ये वाला ऊपर वाला जो एम सील है ये अभी लगाना पूरा पूरी हो गया है, ठीक है। फिर इसके बाद जो लैटिन जाएगा 4 इंची का SWR पाइप है उसमें हम सील लगा देंगे हम लोग,
अच्छे तरीके से एम सील लगाना, नहीं तो फ्लश करने से बाद लीकेज हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए जो हो गया है ऊपर वाला। अभी नीचे वाला हम लोग एम सील एस डब्ल्यू आर पाइप में, जो एस डब्ल्यू आर और कुमोट का जो बीच में गैप है उसको हम लोग एम सील से जाम कर दे रहे हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से जाम करना। यहाँ पे व्हाइट सीमेंट देने से भी हो सकता है। ठीक है, हम लोग तो व्हाइट सीमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, उसीलिए हम लोग एम सील का यूज़ कर रहे हैं। एम सील ज़्यादा अच्छा है व्हाइट सीमेंट से। ठीक है, देखिए दोनों तरफ से राउंड करके अच्छे तरीके से एम सील को लगा देना है। कोई भी गैप मत छोड़ना, नहीं तो लीकेज होने का संभावना है। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना। वीडियो में कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करना। अभी हम लोग फ्लश करके देख रहे हैं, पानी का प्रेशर चेक कर रहे हैं। देखिए कितना प्रेशर है। ठीक है, देखिए बढ़िया प्रेशर है मेट्रोबोल फ्लश बल्ब का।